ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आकांक्षाएं अपेक्षाओं का मंदिर बने, यहां पर लोगों की समस्याएं अभावों कठिनाई का समाधान हो, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो, इसके लिए लगातार इस लोकतांत्रिक संस्थाओं ने काम किया। और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें गर्व है, हमने जन आस्था विश्वास भरोसा कायम किया है। और जन आस्था भरोसा विश्वास के अंदर यहां के लोकसभा सचिवालय का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता निष्ठा से कार्य समर्पण से और जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वह देश की जनता की बात, देश की जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं सदन में रख सके, उसके लिए लोकसभा सचिवालय का बहुत बड़ा योगदान है। और हमें गर्व है कि हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के कारण दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश हमारी कार्यप्रणाली को, हमारी कार्यकुशलता को, हमारे नए इनोवेशन को देखने दुनिया के लोकतांत्रिक के देश आते हैं और उनके संसद सदस्य यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। जितना विशाल वाला लोकतंत्र है, विविधता वाला लोकतंत्र है, उसी तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए हमें और प्रयास करने की आवश्यकता, और इसके लिए हमें नई तकनीकी का, नए विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का हम किस तरीके से उपयोग करके हमारे लोकसभा के माननीय सदस्यों का सहयोग भी करें और आम जनता भी हमारी लोकतांत्रिक संस्था से सीधा उसका जुड़ाव हो, जितना लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी जनता की बढ़ेगी, उतनी ही आस्था हमारी संस्थाओं के प्रति बढ़ेगी। इसलिए हमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए और किस तरीके से यहां चर्चा होती है, संवाद होता है, लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, कानून के बनाते समय व्यापक चर्चा होती है, इसके लिए हमारी पुरानी डेट चर्चा देश की आम जनता तक पहुंचने का हमारा व्यापक प्रयास है। और इन्हीं सचिवालय के कर्मचारियों के कारण आज हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आम जनता तक, देश के अंतिम व्यक्ति तक हमारी लोकतंत्र की संस्थाओं के कार्य को, कार्यकुशलता को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जिस निष्ठा से आप काम करते हैं, जिस बेहतरीन कार्यकुशलता से आप काम करते हैं, निष्पक्षता से काम करते हैं, कड़ी मेहनत से काम करते हैं, एक प्रतिष्ठा लोकसभा सचिवालय की पूरे देश के अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और ये सचिवालय की प्रतिष्ठा कायम करने में यहाँ के कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि हमें दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी हमारी कार्यकुशलता, कार्य प्रणाली एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए इनोवेशन के साथ हम
अन्य सरकारी कर्मचारियों से हमारी कार्यकुशलता सर्वश्रेष्ठ भी होनी चाहिए और आम जनता के नजदीक भी होना चाहिए। इसलिए मैं जब भी आपके बीच में आता हूं इस अपेक्षा के साथ आता हूं कि हमारे कर्मचारी अधिकारी बदलते परिप्रेक्ष्य में अपनी कार्यकुशलता को, अपने कार्य को और श्रेष्ठ बनाएंगे और हम कड़ी मेहनत करकर दुनिया के लोकतंत्र के अंदर भारत का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ भी है, मजबूत भी है और हमारा सचिवालय भी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन सचिवालय है और आम जनता और हमारे प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम बेहतरीन कार्यकुशलता के साथ काम कर रहे हैं। यही मेरा आपसे आग्रह है। आप सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबके लिए नया उत्साह, नया उमंग, नए संकल्प का पर्व है। हम यहां से संकल्प लेकर जाएं, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।